channel all job notifications. So good morning to all of you. So today we will discuss June month's important days and themes, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो भी exams हैं, banking हो चाहे railway हो या SSC या फिर कोई भी state level exam हो, उसमें ये topic से एक या दो question definitely बनते हैं. Okay, so start करते हैं आज का session. So let's start. So first June को हमारा friends world मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, सो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून, और जो आपका नेशनल मिल्क डे है, मतलब जो इंडिया में जो नेशनल मिल्क डे है, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है. और इस बार 103rd बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी डॉक्टर वर्गीस कुरियन. एंड जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है, वो भी हमारा 1 जून को मनाया जाता है. और इस बार इसकी थीम थी द पावर ऑफ पेरेंटिंग, रेजिंग हैप्पी हेल्दी एंड होपफुल चिल्ड्रन. तो 1 जून को दो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक तो वर्ल्ड मिल्क डे और एक ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसकी थीम है द पावर ऑफ पेरेंटिंग, रेजिंग हैप्पी हेल्दी एंड होपफुल चिल्ड्रन. ओके, सो 2 जून को हमारा आता है तेलंगाना का फॉर्मेशन डे, हमारा 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, और इसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस. ओके, एंड 3 जून को हमारा आता है फ्रेंड्स वर्ल्ड बाइसिकल डे, और इसकी थीम थी अप्रिशिएट द यूनिकनेस, लॉन्गेविटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ बाइसिकल. ठीक है, सो 3 जून को हमारा वर्ल्ड बाइसिकल डे है, जिसकी थीम है अप्रिशिएट द यूनिकनेस, लॉन्गेविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ बाइसिकल. 4 जून को हमारा जो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टम ऑफ एग्रेशन. सो 4 जून को हमारा सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जो कि विक्टम है एग्रेशन के. और 5 जून को सबसे इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इसका थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन. और इसको होस्ट किया गया फ्रेंड्स इस बार कोटे डे आईवोर इन पार्टनरशिप विद द नीदरलैंड के साथ मिलके. ठीक है, सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, और थीम थी इसकी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, एंड इट इज़ होस्टेड बाय कोटे डे आईवोर इन पार्टनरशिप विद नीदरलैंड. 6 जून को हमारा वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट चलते हैं, और 7 जून को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स. और इसका 5th एडिशन सेलिब्रेट किया गया इस बार. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून. तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. 1 जून को आ गया हमारा वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसकी थीम थी द पावर ऑफ पेरेंटिंग, रेजिंग हैप्पी हेल्दी एंड होपफुल चिल्ड्रन. 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे एंड इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, इसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस. 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसकी थीम थी अप्रिशिएट द यूनिकनेस, लॉन्गेविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ बाइसिकल. 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टम ऑफ एग्रेशन. 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, एंड इसकी थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन. इट इज़ होस्टेड बाय कोटे डे आईवोर एंड नीदरलैंड. 6 जून को हमारा वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे मनाया गया. 7 जून को हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स, और 5th एडिशन इसका सेलिब्रेट किया गया. 8 जून को फ्रेंड्स 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक तो वर्ल्ड ओशन डे, जिसकी थीम थी प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग. और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी हमारा 8 जून को, और नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे भी 8 जून को मनाया जाता है. तो देखो 8 जून को 3 डे आ गए, वर्ल्ड ओशन डे, जिसकी थीम थी प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग. क्योंकि आप एक बार इस सेशन को देखोगे, उसके बाद एक बार फिर से रिवाइज करना फ्रेंड्स, क्योंकि रिवीजन मैटर करता है आपका. और अगर आपको इसको पढ़ लोगे ना, तो पेपर में अगर आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको थीम्स वहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा पहले. ठीक है, और 9 जून को आता है फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे, इसकी थीम थी एक्रीडिएशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड. 12 जून को आता है हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर. तो 12 जून को हमारा वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर. और 13 जून को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ. एल्बिनिज्म होता है रंगहीनता दिवस. ठीक है, और 14 जून को हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन. ठीक है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाएंगे, 14 जून को, और इसकी थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन. 15 जून को हमारा फ्रेंड्स वर्ल्ड विंड डे मनाया गया, और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया गया. तो वर्ल्ड विंड डे 15 जून को, और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे भी 15 जून को मनाया गया. 17 जून को फ्रेंड्स हमारा आया वर्ल्ड डे
टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, सूखे से जो संबंधित जो भी इश्यूज हैं, तो उस दिन को ये बनाते हम वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और इसकी थीम थी हर लैंड हर राइट्स, हर लैंड हर राइट्स इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो कि 17 जून को मनाया गया। 18 जून को फ्रेंड्स हमारा 3 डे सेलिब्रेट किए गए, एक तो आर्टिस्टिक प्राइड डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे, वर्ल्ड फादर डे जो कि आपका 3rd संडे ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार ये 18 जून को मनाया गया। ओके, 19 जून को आया हमारा वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे एंड नेशनल रीडिंग डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। देखो 19 जून को 3 डे सेलिब्रेट किए गए, 18 जून को भी 3 बनाए गए थे। 18 जून को कौन कौन से थे? ऑटिस्टिक प्राइड डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे और वर्ल्ड फादर डे जो कि 3rd संडे ऑफ जून को मनाया जाता है। 19 को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, नेशनल रीडिंग डे एंड इंटरनेशनल डे टू एलिमिनेट सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। और 20 जून को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। एंड 21 जून को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज, एक तो वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। सो इसका 9th एडिशन था इस बार फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किए गए इस बार योगा डे? जबलपुर मध्य प्रदेश में। चीफ गेस्ट है आपके जगदीप धानकर, थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, और इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा जो गुजरात में है, 1.53 लाख पीपल ने पार्टिसिपेट किया योगा में। ठीक है, पिछली बार कोटा राजस्थान में हुआ था आई थिंक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी आपका 21 जून को मनाया जाता है, और वर्ल्ड सॉलिस्टाइस डे भी आपका 21 जून को मनाया जाता है। सॉलिस्टाइस डे क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट डे होता है इंडिया में विद लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ डेलाइट, ठीक है, सबसे बड़ा दिन। और 22 जून को आपका वर्ल्ड डे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, और 21 जून के बाद आपके दिन छोटे होने लगते हैं और थोड़ी रातें लंबी होने लगती है। और 23 जून को फ्रेंड्स आपका यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डे एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डे और इंटरनेशनल विडो डे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी डे कब मनाया जाता है? 23 जून, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी आपका 23 जून और इंटरनेशनल विडो डे भी आपका 23 जून को। और 26 जून को फ्रेंड्स आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेट किया गया, एंड इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। तो 26 जून को आपके 2 डे सेलिब्रेट किए गए, एक तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल डे टू इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। ठीक है, 27 जून को आपका इंटरनेशनल MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे आपका 27 जून को मनाया गया। 29 जून को आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि PC महलनोबिस जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। तो 29 जून को 2 डे सेलिब्रेट किए गए, एक तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट इज 30 जून को आपका इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेट किया गया एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। ठीक है, सो 30 जून को आपके 2 डे सेलिब्रेट किए गए, एक तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। 5 जून को फ्रेंड्स आपका इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा डे है जो आप देख सकते हैं। और 16 जून को फ्रेंड्स आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस बनाया गया, जिसका थीम था डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो 16 जून को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसी सेलिब्रेट किया गया। 24 जून को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी और 25 जून को डे ऑफ सी फेयरर। ठीक है, सो ये एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं फटाफट। 1 जून को था आपका वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे एंड इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। 3 जून को आपका वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे। और 7 जून को आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। 9 जून को आपका वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 को वर्ल्ड विंड डे एंड वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 को ऑटिस्टिक प्राइड डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे, वर्ल्ड फादर डे जो कि 3rd संडे ऑफ जून को मनाया जाता है।
19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, नेशनल रीडिंग डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया। एंड 21 जून को आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे, इंटरनेशनल योगा डे जो कि 9th एडिशन जबलपुर मध्य प्रदेश से सेलिब्रेट किए गए। चीफ गेस्ट आपके पूछे जा सकते हैं जगदीप धनकर थे। थीम था योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। वर्ल्ड सोल्स्टिस डे भी आपका 21 जून को रहा, ठीक है। 22 जून को आपका वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, 23 जून को यूपीएससी डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड इंटरनेशनल विडो डे, 26 जून को आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, 27 को इंटरनेशनल एमएसएमई डे, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक, 30 को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, एंड 16 जून को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज, 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी और आपका 25 जून को डे ऑफ सी फेयर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जून मंथ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। कोई डे मिस हो गया हो तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाती रहूँगी सो दैट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। और आज से मैं फ्रेंड्स एक टॉपिक वाइज सेशन भी लूँगी आपका रीजनिंग का, क्योंकि आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम एंड आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम लाइनअप हैं अब बैक टू बैक। सो यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ट। सो मैं प्री का कॉन्टेंट प्रोवाइड कराऊँगी और बीच बीच में मेन्स का भी, ठीक है, जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उस टाइप के। सो प्लीज़ कनेक्ट रहना एंड अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड बाय बाय, शेयर, गुड गुड, हैव अ गुड डे।